बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पेज नंबर 23 करेंगे। बच्चों, हमने पेज 23 पे हाउस को कंप्लीट करना है और जहाँ पे कलर नहीं है वहाँ कलर करना है, लेकिन रफ कॉपी में हमने कॉटेज को कंप्लीट करना है। पहले हमने पेंसिल की मदद से ऐसे लाइंस ड्रॉ करनी है जहाँ पे लाइंस इनकम्प्लीट है वहाँ हमने वो लाइंस कंप्लीट करनी है। ऐसे ही हम यहाँ पे सीधी लाइन ड्रा करेंगे। ब्रिक्स के लिए हमने अब ऐसे छोटे लाइंस ड्रा करने हैं, ऐसे। ऊपर भी हमने ऐसे ही लाइंस ड्रा करने हैं ताकि ये इंड्स बराबर हो जाए। हाउस के इस साइड वाली लाइन को भी हमने कंप्लीट करना है। डोर को भी हमने कंप्लीट करना है। डोर के लॉक के लिए हमने ऐसे सर्कल ड्रा करना है। विंडो को अब हम कंप्लीट करेंगे। हमारा हाउस कंप्लीट हो गया है। अब हमने कलरिंग करनी है। हाउस के छत को हमने रेड कलर करना है। ये है रेड कलर, लेकिन सबसे पहले हमने ब्लैक कलर से आउटलाइनिंग करनी है पूरे हाउस की। ब्लैक कलर से सारे हाउस की हम आउटलाइनिंग करेंगे। डोर की भी हमने ब्लैक कलर से आउटलाइनिंग करनी है। विंडो की हम आउटलाइनिंग करेंगे ब्लैक कलर से।
विंडो के अंदर जो मिरर्स है तो इसकी भी हम आउटलाइनिंग ऐसे ब्लैक कलर से करेंगे। ट्री की भी हमने आउटलाइनिंग करनी है ब्लैक कलर से, जो ट्री कलर नहीं है तो ब्लैक कलर से हमने ऐसे उसकी आउटलाइनिंग करनी है। रास्ते की भी हमने ऐसे ब्लैक कलर से आउटलाइनिंग करनी है। अब हम कलर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाउस के छत को हमने रेड कलर देना है। ये है रेड कलर। ब्रिक्स को सबसे पहले हमने रेड कलर देना है। हमने हाउस के वॉल को येलो कलर करना है। ये है येलो कलर। हमने डोर को पर्पल कलर देना है। ये है पर्पल कलर।
डोर के लॉक को हमने ब्लैक कलर देना है। विंडो को हमने लाइट ब्लू कलर देना है, लाइट ब्लू कलर। हमने पाथ को, रास्ते को ब्राउन कलर देना है। ट्री को हमने डार्क ग्रीन कलर देना है। ग्रास को भी हमने ग्रीन कलर देना है। यहाँ पे ये है ग्रास। सन को हमने येलो कलर देना है। ये है सन।
हाउस कंप्लीट हो गया है और कलर भी हो गए हैं। स्टूडेंट्स, अब आप सब अपना होमवर्क नोट करें। ड्राइंग होमवर्क रिटन डू प्रैक्टिस ऑफ बुक पेज नंबर 23 इन रफ नोटबुक्स। आप सब ने इस पेज की रफ कॉपी में प्रैक्टिस करनी है। ओके, बाय।